शादी क्यों नहीं करी? महाराज ने मना कर दिया था, शादी क्यों नहीं करी? शादी क्यों नहीं करी? बेटी होती थी एक से एक ऑफर महाराज के पास, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े वो, महाराज जी इस बुढ़िया से कौन करेगा? तो मेरे को देखे फिर, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, इस बुढ़िया से शादी कौन करेगा? अरे तो यंग लग रहे, 25-30 साल की मेरी उम्र थी, 50 साल की बुढ़िया ये कह रहा है। तो वो मुझसे पूछते थे आपकी क्या एज है? महाराज जी 50 के दो मैं और बढ़ा दूं। अरे मैंने कहा बाबा जी की वजह से यंग दिखती हूँ। एक बात महाराज जी को क्या लेना, अगर शादी करती तो अपने बाल बच्चे उनको देखती, हजारों के बच्चे उनको क्या क्या किया वो कैसे करती फिर मैं? जी जी, दुनिया के बच्चों को कर रही है ना, लोगों का इतना कर रही सेवा कर, इतना फिर कैसे मंदिरों में सारी सेवा करती, सब क्या करती? खुद शादी करती और कितनी शादियां करवाई आपको, यहाँ भी दिल्ली में भी नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े अफसर है जो जेल में थी, वहां से मैंने छुड़वाया उनको, उनकी शादियां करवाई। आज इतनी बड़े बड़े अफसर है सब मिलने आते, आंगनबाड़ी वगैरह सब आती है हमसे, औरतें सारी इनके सारा मिलने आते हैं सब लोग ना, आंगनबाड़ी के सब लोग आते हैं कि नहीं, सोशल डिपार्टमेंट के सारे लोग सब आते हैं इसके पास, अभी भी आते हैं, बेचारा कहीं वहाँ से वो भेज रहा है, कहीं वहाँ से वो खाना लेके, इसके बैंकों के काम करा देते हैं सारा, बैंकों का काम, पेंशन का काम, सारा काम पुराने जितने लोग हैं सब इसका करा देते हैं। अशोका दीदी, अशोका दीदी सुनो, अशोका तुम और तीसरी कौन थी? शीला काम करती थी, शीला अशोका, अशोका थी उसमें, अशोका थी उसमें क्या कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, ये थी डिप्टी डायरेक्टर थी सोशल वेलफेयर में, और शीला थी, ये तीनों जने महाराज जी ने, महाराज ने तीनों का नाम रखा था, और ये ऊपर ही वहाँ महाराज जी की सेवा करती थी उसमें कैची में, रोटी तो बनाती थी शीला, शीला थोड़ी पंजाबन टाइप थी तो रोटी वोटी वो बनाती थी। शीला कहाँ की थी? शीला कहाँ थी? शीला तो वहाँ की है ना, थी हरिद्वार के पास की है, भूले जाते हैं हरिद्वार के पास, पास ही कहीं है वहाँ की रहने वाले शीला, नहीं उनकी डेथ हो गई, एक बार उसको कैंसर हो गया था काफी पहले, उम्र का तकाजा, उषा भी तो फेल है, उषा और अशोका, नहीं अशोका की मेमोरी तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी फेल हो गई, अशोका चली गई, लेकिन जाने पहले उसने इंटरव्यू दी थी पक्की, अशोका शीला अशोका तीन तीन चुड़ैले बैठी हैं महाराज, कहते मंदरिया बैठी हैं, तीन मंदरिया बैठी, तुम मजाक भी तो करते थे, मजाक भी करते थे, तो मैं कहता नहीं, वो आईसी साहब सब मेरे फ्रेंड उनसे मेरी बुराई कर रहे हैं, और फिर आके मुझे कहेंगे तुझे बुरा तो नहीं, मैंने कहा महाराज जी मुझे तंग मत करिए, आपकी वो ये देखते थे कि वो भक्त जो है ना वो मेरी बुराई हमें छोड़ के चला जाए, वो टेस्ट लेते थे हर बच्चों का, टेस्ट लेते थे, बुराई करके भी टेस्ट लेते थे, वो कहाँ गए उनका पता ही नहीं, बार बार हम पूछवाते थे, फिर वो कह के उनका नहीं, चारों मर गए, चारों का क्या हुआ भगवान जाने, मैं तो भाई मुझे तो कोई वो कहती काम वाली भी आएगी आपकी वो तारीफ का, मेरे जो बुराई करते मुझे वो अच्छे लगते हैं। और कम से कम मजे लो, हंसो बैठ के थोड़ी देर, सही बात। और बताओ महाराज की बातें बताना, एक तो देखने क्या गए महाराज की सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा एक वो बताओ जो वो तुमने हमने वो बता रही थी कि महाराज ने एक बार कहा, वो नारायणी पंडित रामायण पढ़ रहे थे जी, तो महाराज ने कहा कि वहां से पढ़ो जहां मैंने सुग्रीव से कहा था, ये थी उसमें, अब सही सुनवा आया क्या था बोलो है? क्या कह रहे थे जब रामायण पढ़ रहे थे नारायणी पंडित, वहाँ पढ़ो जब मैंने बताया है, तो वो साक्षात महाराज जी ने दिखा भी दिया अपने आप को कि वो साक्षात हनुमान जी थे, और हनुमान जी कलयुग में हनुमान जी का ही चार्ज है, अपने मंदिर में मार्केट के हनुमान जी लाए थे, तो बेचारे छोटे कोई आता भी नहीं था, और सब देवी देवताओं के क्या बड़े बड़े बने हुए मंदिर, जब से ये बैठने लगी तब से हनुमान जी, तो मैं तो मुझे तो महाराज जी
तो मैं तो हनुमान जी कह के अब इतना मुझे मजा आता है, अब जो आते हैं इतने विजिटर्स आते हैं तो उन देवी देवताओं के ऊपर प्रणाम करें पूरे टाइम हनुमान जी क्या पूरे टाइम हनुमान जी क्या हम मरुषा जो थे मुझे बड़ा हम मरुषा वृंदावन में नए साल में जाते थे वो थोड़ा सा वो बुके के लड्डू होते हैं तिल के लड्डू चढ़ाते थे दो डिब्बे ले गए एक रजाई खरीद ली हमने वृंदावन की हाँ। तो वो चढ़ा देते थे और बैठ के हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ते थे। आज वहाँ जाइए देखिए तो मेवा बट रहा है ठाट हो रहे हैं ठाट हो रहेंगे वहाँ हजारों आदमी भजन आ रहे हैं कहीं कुछ हो रहा जो उसमें वृंदावन में धर्मनारायण कह रहे थे कि तुम लोगों ने क्या शुरू कर दिया जो ये इतनी भीड़ शुरू हो गई है क्या अब तो देख के मैं बैठती हूँ महाराज महाराज क्या था बताओ पहले क्या था अब क्या हो गया है उनके वो ले जाते थे उनके लिए धोते शाल तो अब बहुत ठाक से खूब बढ़िया हो रहा वहाँ। एक बात पर मुझे बुरी भी लगी महाराज जी वाले कमरे में चारों तरफ सबकी फोटो लगी थी सिद्धि माँ की फला की सब हट गई सब हटा दी सिर्फ महाराज की है ना बस महाराज जी ने लगवाई थी सारी उनकी लगवाई हुई चीज कैसे हटाओ उनकी चीज तो सिद्धि माई ने आज तक जो लकड़ी का कमरा था वो वाला जो महाराज का उसके नीचे सपोर्ट कर दिया कि महाराज इस पे चले हैं। सिद्धि माई ने जो महाराज की चाबियां थी वहाँ की कैंची की महाराज रखते थे चाबी उसके ऊपर कपड़ा चढ़वा दिया कि वो रस्सी जो है तो महाराज वो महाराज की टच की हुई चीजें हैं इतना ज्यादा प्यार करके उन्होंने किया वही चीज हम लोगों ने भी सीखी हम लोग भी महाराज के इसके पास कंबल है हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं महाराज की दी हुई। सिद्धि माई ने मुझे एक टावल दिया था छोटा जिसमें बाहर की कुर्सी जो होती थी बैठते थे उसमें तौलिए में उन्होंने जैसे किसी ने टीका लगा दिया हुआ तो पोछा उन्होंने करके टावल रखा तो वो टावल सिद्धि माई ने दिया बहुत सी चीजें सिद्धि माई ने दी हमें तो महाराज की तो सामान है कम्बल और धोती तो हमारे यहाँ उतरती थी आप जानते हैं सुशील सुशील को सिद्धि माई सारी उम्र कहती थी कि सुशील धोती लाया महाराज की कोई बताने वाला नहीं थे ना धोती सुशील से महाराज जी के कमरे से जब महाराज जी के कमरे में चारों तरफ फोटो लगी थी सिद्धि माँ की उनके भक्तों की जो महाराज के खास खास सब हटा दी अब पूरा कमरा खाली है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट भी